नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित धवल योग से फिट रहे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं अधमत्स्यनासन। अधमत्स्यनासन करने की विधि और इसके लाभ, तो ध्यान से देखिएगा। अधमत्स्यनासन कैसे किया जाता है? सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए, पैर के घुटने को मोड़ेंगे, घुटने का रुख सामने की ओर, एड़ी को इस तरीके से पंजे को क्रॉस में रखेंगे। दूसरे पैर को पंजे को आपको उठने के लेवल में रखना है। इस तरीके से अंदर की ओर हाथ को ले जाएंगे, पैर के अंगूठे को पकड़िए, आपको पीछे की ओर ट्विस्ट करना है, कमर को पूरा पीछे मोड़ दीजिए, पीछे आधे कंधे को देखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक तो ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि आपका जो है पेनक्रियास के ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तब आप ट्विस्टिंग करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो आपका इंसुलिन का जो सिक्रीशन लेवल है वो नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिनको कमर पतली करनी रहती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसको नियमित रूप से आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक करना है।